सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। पीछे हटिए, एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए, हटिए हटिए। किसने फोन किया था? सर मैंने फोन किया था। माय गॉड, सर फोन क्या हुआ, क्या था? सर बच्चा तेजी से भागता हुआ आया, साइकिल से टकराया और बेहोश हो गया। कहाँ पे? आइए सर मैं बताता आपको। सर इस तरफ। किधर से आ रहा था बच्चा? सर इस तरफ से आ रहा था। ओके। सर हाँ सर, लगता है वो खून बच्चे का नहीं है सर। क्या खून बच्चे का नहीं है? नहीं सर, उसके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं है। तो फिर ये खून आया कहाँ से? हटना बेटा, हटना बेटा, बेटा घबराओ मत बेटा, हैं? आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग सीआईडी से हैं। ये खून कैसे लगा आपको? सर लगता है किसी गहरे सपने में, जिसकी वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा। सर लगता है ये बच्चा देख नहीं सकता। पंकज एक काम कर, लड़का इस डायरेक्शन से आया है ना, तुम इस तरफ जाओ और उधर जाके देखो कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है। विनी बच्चे को फॉरेंसिक लैब लेके जाते हैं, सारों के साथ भी बताएंगे कि खून का राज क्या है। सर बच्चे की टी शर्ट पे पाया गया खून किसी इंसान का ना हो। हाँ अभिजीत, हेमोट्रेस टेस्ट करते हैं, उसे पता चल जाएगा। सॉरी अभिजीत, तुम्हारा मनचाहा जवाब नहीं दे सकता। इस शर्ट पर जो खून है वो इंसान का ही है। इंसान का खून है? बच्चे का तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं बच्चे का नहीं है, क्योंकि बच्चे को कहीं भी चोट नहीं लगी है। थैंक गॉड। अरे इतना सारा खून आया कहां से होगा? क्या हाँ तारिका, सर इस चप्पल पे जो मिट्टी लगी हुई है उस पर खून मिला हुआ है और उसके साथ साथ घास का तिनका भी। घास का तिनका? मतलब ये बच्चा किसी गार्डन वगैरह से आया होगा। अभी पता करते हैं। तारिका जरा टेस्ट। सर आश्रय, सर जिस जगह पर वो बच्चा मिला था मैंने आसपास का पूरा इलाका छान मारा, कहीं भी कोई हादसा या एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पुलिस स्टेशन से चेक किया? जी सर, पिछले 15 दिनों में किसी के भी लापता होने की खबर दर्ज नहीं कराई गई है। कमाल है, ये बच्चा आया कहां से होगा? अभिजीत। हाँ डॉक्टर। अभिजीत इस शर्ट पर एक नहीं तीन लोगों का खून मिला है। क्या तीन लोगों का खून? माय गॉड, मतलब तीन लोग जख्मी हुए हैं या फिर मारे गए? अभिजीत आधार का, अभिजीत इस मिट्टी में जंतु और कीटाणुनाशक दवाइयां मिली है। जंतु और कीटाणुनाशक दवाइयां, मतलब ये बात पक्की है कि बच्चा किसी खेत खलियान से ही गुजरा है। सर उस इलाके की छानबीन करते वक्त हमने वहां कुछ खेत और फार्म हाउसेस देखे थे। फार्म हाउस, खास का तिनका, जंतु और कीटनाशक दवाइयां, फार्म हाउस,
वाह तारिका जी वाह, आपने तो हमारा काम आसान कर दिया। भाई साहब, सिर्फ तारिका जी ने आपका काम आसान किया? नहीं, ये ऐसा मैंने कब कहा। नहीं, लेकिन आपने ये भी तो नहीं कहा कि सालूखे ने कुछ किया है। सालूखे साहब, आप भी बिल्कुल क्यूट बच्चों की तरह बुरा मान जाते हो यार। तारिका, ये अभिजीत मेरी तारीफ कर रहा था कि मेरी टांग खींच रहा था? अरे सर, आप भी अरे ये सब दोनों के दोनों मिले हुए हैं। सर, इतने सारे फार्म हाउस चेक किए, कहीं कुछ पता नहीं चला। हो सकता है यहाँ कुछ पता चल गया। फार्म हाउस के अंदर गाड़ी पार्क्ड है, लगता कोई है अंदर। चलो देखते हैं। अंदर चल के देखते हैं। अरे, ये तो उसी छोटे बच्चे की चप्पल लगती है। लगता है हमारी तलाश यहीं पे खत्म हो गई। चलो सावधान रहना, कोई अभी भी अंदर हो सकता है। कोई है? हेल्प मी, बहुत दूर से आया हूं। हेल्प मी। चार चार लाशें घर में, फॉरेंसिक को बुलाओ। पेट पर गोली लगी है, कम से कम 2-3 घंटे हुए होंगे इसे मरे। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। ये है वो दो लाशें। इसे भी ठीक छाती पर गोली मारी गई है, जैसे उस आदमी को कमरे में। यानी डॉक्टर सालों के ठीक बोल रहे थे, तो बच्चा यहाँ इन लाशों से टकराया होगा, जमीन पे गिरा और इन्हीं का खून उसके कपड़ों पे लग गया। डॉक्टर तारिका, लगता है कि सारे खून इसी गन से हुई है। तो खूनी मर्डर वेपन यहाँ पे छोड़ के क्यों भाग गया? मुझे तो लगता है कि इस आदमी ने खुद अपने आप पे गोली मारी है। इस आदमी ने अपने आप पे गोली मारी है? यानी आप ये कहना चाहती हैं कि पहले इस आदमी ने इन तीनों को मारा और उसके बाद खुद अपने आप को गोली मारी? शायद। सर, पूरा घर चेक कर लिया, तिजोरी अलमारी सब कुछ सही सलामत है। सही सलामत है मतलब चोरी का मामला नहीं है सर। हाँ, सारे दरवाजे और खिड़कियां भी सही सलामत है। इसका मतलब खूनी जबरदस्ती इस घर में नहीं घुसा है। हो सकता है ये चारों मरने वाले उस खूनी को जानते और इन्हीं लोगों के साथ वो यहाँ इस फार्म हाउस में आया होगा। अरे क्या बात है डॉक्टर साहब, आज अकेले ही? क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है? लैब अच्छी नहीं लग रही होगी, सूनी सूनी लग रही होगी। तारिका जी नहीं है ना? नहीं, नहीं, नहीं।
मेरे वो मतलब नहीं था। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब यार, तुम बोलते कुछ और हो, तुम्हारे मन में कुछ और होता है। अरे सर, मैं इन चारों लाशों के खून के पीछे का मतलब जानने आया हूँ, आपको मालूम है तो बता दो बस। तुम उससे क्यों पूछ रहे हो भाई, जाकर के तारिका जी से पूछ लो, वो बता देंगी तुम्हें सब कुछ। सर आप तो बुरा मान गए, सारी दुनिया जानती है डॉक्टर सालुंखे के बगैर सीआईडी में आज तक एक केस भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे है ना, ऐसे बोला करो, अच्छे लगते हो, आओ बताता हूं। अभिजीत ये जो चारों लाशें हैं, इनमें रायगर मोर्टिस अभी सेट होना शुरू हुआ है, लाशें अभी अकड़ना शुरू हुई और मेरे ख्याल से इनकी मौत सवेरे 7 से 9 बजे के बीच में हुई। और ये बैलिस्टिक रिपोर्ट क्या कहती है? गोली इसी गन से चली है, चारों की मौत इस गन से निकली हुई गोली से हुई है और इस गन पर खून के छींटे भी हैं। सर किसका खून है? सौरभ का खून है, सौरभ को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है जिसकी वजह से सौरभ का खून इस पर भी आकर के लग गया है। और एक बात, सिर्फ सौरभ के हाथ पर यहां गन पाउडर के निशान है। गन पाउडर सौरभ के हाथ में? तो आप ये कहना चाहते हैं कि सौरभ ने इन तीनों को गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या कर ली? नहीं, मैं खुद कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, जो सबूत हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अब एक काम करो, बाकी का काम तुम खुद भी तो करो यार। हाँ ठीक है, करेंगे। हाँ क्यों नहीं करेंगे, बाकी जो आप नहीं बता पा रहे हम डॉक्टर तारिका से पूछ लेंगे। पूर्वी, इस सौरभ के पास से जो गन मिली थी उसके बारे में क्या पता चला, किसकी थी वो गन? वो गन इसी के नाम पे रजिस्टर्ड थी। वो गन सौरभ के नाम पर ही रजिस्टर्ड है? और फिर सारंगी को जो गन पाउडर के ट्रेसेस मिले वो भी सौरभ की उंगलियों पर? सर ये आनंद की बहन निशा जी आई। आइए निशा जी, देखिए हम आनंद और उसके दोस्तों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं ताकि हमें केस सॉल्व करने में मदद मिले। सर ये सब लोग कॉलेज के दोस्त थे और बहुत सालों के बाद मिलने वाले थे, इसीलिए इन लोगों ने प्लान बनाया था कि सौरभ के फार्म हाउस में जाएंगे। निशा जी आपने आखिरी बार आनंद से बात कब की थी? आनंद से मेरी लगभग 1 हफ्ते पहले बात हुई थी, लेकिन हाँ यश का 2 दिन पहले ही मुझे फोन आया था और उसी ने मुझे बताया कि ये लोग फार्म हाउस पे पार्टी करने जा रहे हैं। यश? ये यश कौन है? सर यश भी उन लोगों का दोस्त है और ये सब लोग मिलकर उस दिन फार्म हाउस पर गए। विशाल, आनंद और नितिन, चार ही लोग तो थे फार्म हाउस पर? चार नहीं सर, 5 लोग थे। 5? मतलब यश भी तो था सर। यश भी इनके साथ था? लेकिन सर फार्म हाउस पे तो हमें सिर्फ 4 लाशें मिली थी। वही तो सर, तो फिर यश कहाँ गया होगा? और तो और सर, उसने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? यश के टेलीफोन नंबर है ना तुम्हारे पास, घर का सेलफोन नंबर वगैरह? हाँ सर। ये देखो, कोई सुराग मिला डॉक्टर तारिका? पता नहीं कितने काम का है लेकिन थोड़ा अजीब जरूर है। क्यों अजीब? क्या इस बाल की लंबाई देखो, यहाँ पर जितने भी लोग मरे थे उनमें से किसी के भी बाल इतने लंबे नहीं थे। ओह, इसका मतलब है इन चारों के अलावा कोई और भी था, शायद कोई औरत। अब ये तो इस बाल के डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा। मोबाइल बंद। मोबाइल बंद आ रहा है? सर हाँ, यश के पिताजी से बात हुई, यश तो घर पे आया नहीं, घर पर लौटा ही नहीं, सेलफोन बंद आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यश का फोटो है? हाँ सर, एक मिनट। काम करो,
यश का फोटो सारे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चेक नाकों पर भेज दो और दया को भी इन्फॉर्म करो, यश का मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर ये दवाइयां और प्रिस्क्रिप्शन लेटर मिला है, इस पे सौरभ का नाम लिखा है। सौरभ तो प्रिस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर मुकेश, ये दवाई दिखाइए। ये दवाइयां तो अक्सर उन लोगों को दी जाती है जो डिप्रेशन और टेंशन के शिकार होते हैं। तो सौरभ को किस बात की टेंशन थी, अब वो तो ये डॉक्टर मुकेश ही बताएंगे। कुत्तों के भौंकने की आवाज पीछे की तरफ से आ रही है, जरा देखो जाके चक्कर क्या है। भौंकने की आवाज इधर से आ रही है, इस तरफ। फ्रेडी लेकिन डरने की जरूरत नहीं, वहां पे कुछ है। ये तो यश है, सौरभ का पांचवा दोस्त, जिसे ढूंढ रहे थे उसी की लाश मिली। हाँ फ्रेडी, हमें लग रहा था कि ये यश अपने दोस्तों का खून करके भाग रहा है, लेकिन ये तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये देखो फ्रेडी, ये इसकी पीठ में यहाँ पीछे से गोली मारी गई है और एक गोली यहाँ किडनी के पास। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सारे खून कर कौन रहा है? सराई, सर सीआईडी ऑफिसर साहब से मिलना है, मैं बाद में बात करता हूँ। बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर सौरभ का इलाज आप ही करते हैं? हाँ, कई सालों ये दवाइयां आप ही ने सौरभ जी को प्रेस्क्राइब की थी। जी हाँ। क्या बीमारी थी सौरभ को? डिप्रेशन, बेचैनी, टेंशन लेना। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल एक फार्म हाउस में हमें सौरभ की लाश मिली। लाश कैसे हुआ? पक्का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी सिर्फ इतना पता चला है कि उसकी मौत गोली लगने की वजह से। गोली चलाई गई उस पर? सिर्फ उनका ही नहीं, उनके चार दोस्तों का भी खून हुआ। पर हमें शक है, पहले उन्होंने उन चारों की जान ली, फिर अपने आप को भी मार लिया। मुझे नहीं लगता कि सौरभ ने किसी का खून किया होगा। मैं कई सालों से उसका इलाज कर रहा हूँ और उसकी हालत में काफी सुधार था। लेकिन पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन उससे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि इंसान उस बीमारी में किसी का खून कर दे। उसकी दवाइयों का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं था। लेकिन सर वो तो ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। छोड़ने नहीं चलोगे?
यार अंदर तुम कुछ कह रहे थे फिर एकदम से चुप हो गए, क्या बात है, जरा खुल के बताओ। नहीं सर मैं कुछ नहीं कह रहा था सर। देखो गौरव के बारे में जो कुछ भी जानते हो मैं बता दूं। देखिए सर मुझे ये सब मामले में मत घचेटिए सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरी एक बूढ़ी माँ है सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये मेरा वादा है, जो कुछ जानते हो सच सच बता दो। घबराओ मत, बता दो सब कुछ। क्या जानते हो सर? देखिए सर सौरभ जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी सर उनका गुस्सा था सर, उनकी प्रॉब्लम हाइपरटेंशन और डिप्रेशन नहीं था सर, सबसे बढ़िया वीक पॉइंट उनका था गुस्सा सर, वो उस पर काबू नहीं कर पाते थे सर। हमारे सामने कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ सर एक बार हुआ था सर, हमारे यहाँ के एक पेशेंट पे उन्होंने हाथ उठा दिया था सर। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा सर उनका नंबर था और वो बीच में घुस गया सर। इतनी सी बात के लिए उन्होंने किसी पर हाथ उठा दिया? हाँ सर। लेकिन आपके डॉक्टर साहब ने हमें ये बात बताई नहीं, क्यों? सर सॉरी सर मुझे नहीं पता सर। ठीक तुम जा सकते। थैंक यू सर। सौरभ जी को गुस्सा बहुत आता था। सारे सबूत भिजवा दिए ना? हाँ सर। चलो सीधे ब्यूरो चलते हैं। हाँ भाई क्या हाल? अरे सर आप यहाँ? हाँ क्यों चौंक क्यों गए यार? अरे तुम्हारी मदद कर रहा हूँ यार केस में, यहाँ नहीं आ सकता क्या? अरे सर मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, वो मैं मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताओ कि तहकीकात करने के बाद तुम लोग किस नतीजे पर पहुंचे अब तक? सर देखने से तो यही लगता है कि सौरभ ने अपने दोस्तों का खून किया और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली। कुछ ही घंटों में केस सॉल्व कर दिया हमने, कुछ ही मिनटों में बेवकूफ बन गए आप लोग। क्या कहना चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ दया वो तुम्हें वहां चल के दिखाऊंगा, आओ मेरे साथ। यही जगह है ना जहां पर सौरभ की लाश थी? हाँ सर यहाँ पे। हाँ बन जा। यानी कि मैं मर जाऊं? डॉक्टर साहब मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अरे यार ये आदमी हमेशा उल्टे ही क्यों सोचता है? फिर मैं तुझे मरने के लिए नहीं कह रहा हूं फ्रेडी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस सोफे पर जैसे सौरभ की लाश मिली थी वैसे जाकर के बैठ जा। सौरभ बैठा हुआ नहीं था, लेटा हुआ था। लेटा हुआ तो ठीक है तुम लेट जाओ। ऐसे ही लेटा हुआ था दया, ये पैर ऐसे ऊपर हाँ और गर्दन ऐसे पीछे पीछे की तरफ। ओ दया अगर किसी इंसान को अपने आप को गोली मारनी होगी तो स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना पड़ेगा। कड़े आगे की तरफ झुक। अरे क्या मुसीबत है डॉक्टर साहब? अरे मुसीबत कुछ नहीं है, जो कह रहा हूं कर, आगे झुकना। कैसे झुकूं? अटक जाऊंगा। अरे पैर नीचे कर यार। हाँ। ऐसे ऐसे ये अब जैसे सौरभ ने अपने आप को गोली मारी थी ना वैसे गोली मार, लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से। सौरभ लेफ्ट हैंडेड था? नहीं सौरभ राइट हैंडेड था। वो राइट हैंडेड था ये आपको कैसे पता चला? दया मैंने सौरभ का ड्रिंक का ग्लास अच्छी तरह से चेक किया है, उस पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सौरभ के वो सब राइट हैंड के, इसलिए मैं कहता हूँ कि सौरभ राइट हैंडेड था। ऐसे कोई आदमी अपने आप को गोली मारेगा इस तरीके से बैठ करके तो खोपड़ी से खून के छींटे जाएंगे वहां इस तरफ ऊपर की तरफ, लेकिन यहां तो खून के छींटे नहीं, खून के छींटे हैं वहां पीछे की तरफ।
और वो तभी जा सकते हैं जब आदमी ऐसे लेटा हो और कोई उसे यहां से गोली मारे। पैरों से सौरव की लाश यूं पड़ी हुई थी। अब दया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान को ऐसे लेट करके अपने आप को गोली मारते हुए नहीं देखा। इसका मतलब है सौरव ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका भी खून किया गया है। बिल्कुल, सौरव का खून ही हुआ है और किसी ने उसे तब गोली मारी है जब वो ऐसे पैर फैला करके आराम से सो रहा था। अभिजीत, सौरभ और यश के जूतों में मिली मिट्टी मैच नहीं करती है, अलग अलग है। मतलब यश का भी खून सौरभ ने नहीं किया है, वो नहीं कोई और ही है। सर, फार्म हाउस में जो बाल मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। ये बाल किसी लड़की का है। वाह कारिका जी वाह, आप कुछ ना कुछ नया मोड़ लेके आती है केस में, कैसे कर लेती है। नमस्ते। 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 क्या कारिका जी आपको समझाती क्यों नहीं है। अरे मैं क्या। अच्छा छोड़िए, क्या क्या पता चला इसे डीएनए रिपोर्ट से। ये लड़की का डीएनए उन पांच मरे हुए लोगों में से एक आनंद के डीएनए से मैच करता है। आनंद के डीएनए से, यानी उसकी कोई रिश्तेदार। आनंद की तो सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, उसकी बहन निशा। निशा, लेकिन सर जब निशा ब्यूरो में आई थी तब उसने बताया नहीं था कि वो भी फार्म हाउस गई थी। अपराधी अपने आप तो बोलेगा नहीं कि मैंने अपराध किया है, उससे सच उगलवाना पड़ता है। हाँ, अरे कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ मैं बस थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। अरे तुझे याद है लास्ट टाइम हम लोग गए थे, कितना मजा आया था। वो सब लोग इस बार भी आ रहे हैं ना। पक्का? ओ वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे हाँ पापा, तुम लोग पहुंचो, मैं बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। आ जा रही निशा, पहले 2-4 बातें हमसे कर लीजिए, फिर हम भी चलते हैं पार्टी में। पार्टी? व्हाट नॉनसेंस। हम तो सेंस में है मैडम, लेकिन आपको देख के लगता है कि आप अपने होश खो बैठे। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको देख के लगता नहीं है कि आपको आपके भाई की मौत का दुख है? ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी करने जा रही हैं। देखिए, ये मेरी निजी जिंदगी और मेरी निजी जिंदगी में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इस बात से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मैडम, लेकिन अगर आप किसी और की जिंदगी के साथ खेल खेलेंगे तो हमें जरूर प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैंने किया क्या है? सबसे पहले आपने हमसे झूठ बोला है कि आप उस रात सौरभ के फार्म हाउस में नहीं थी। मैं क्यों झूठ बोलूं? क्यों झूठ बोलेंगे ये आप बताइए, क्योंकि अगर हमने साबित कर दिया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बोलिए बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। हम समझते हैं कि मुंह से सच निकलने को थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आपके पास सबूत क्या है इसका? फोरेंसिक रिपोर्ट है हमारे पास जो साफ साफ साबित करती है कि आप उस वक्त फार्म हाउस में थी। अगर आपको वो रिपोर्ट देखनी है चलिए हमारे साथ ब्यूरो। हाँ, मैं उस दिन फार्म हाउस गई थी, लेकिन इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमें सब कुछ पता चल चुका है निशा जी, आपके भाई के साथ आपकी बनती नहीं, प्रॉपर्टी का केस चल रहा था और उसकी मौत के बाद आपका रास्ता साफ हो गया और प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। हाँ, ये बात सच कि मेरी और आनंद की बिल्कुल नहीं बनती। तो फिर आप वहां फार्म हाउस क्यों गए? क्योंकि सौरभ और बाकी लोगों ने मुझे फोर्स किया, कहने लगे कि इतने सालों के बाद मिल रहे तो तुझे आना ही होगा। मैं गई जरूर थी, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद ही वहां से निकल गई। क्यों? क्योंकि उस रात आनंद और मेरा झगड़ा हुआ था और मेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैंने वहां से जाना ही जरूरी समझा। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं डर गई, मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगी तो आप लोग उल्टा मेरे ऊपर ही शक करने लगेंगे।
वहां से निकलने के बाद आप कहां गए? उसके बाद मैं घर पे आकर सो गई थी। वाह, बहाना अच्छा बनाया ताकि किसी गवाह की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपको ब्यूरो में रहना पड़ेगा। तारिका। हाँ सर। ये देखो। खून के छींटे सर? नहीं नहीं तारिका, ये खून के छींटे नहीं है, ये ऊपर से टपकी हुई खून की बूंदे हैं। मतलब? छींटे अगर होते हैं तो ऐसे फैल जाते हैं, लेकिन ये ऊपर से टपकी हुई खून की बूंद है। मुझे लगता है वो बच्चा उस हॉल में आया होगा और किसी चीज से या किसी लाश से टकरा के गिर गया होगा, और ये केन भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पे गिर गई होगी, और खूनी के कहीं कोई जख्म होगा जिसमें से खून टपक रहा होगा। खूनी बाय दिवे इस केन के पास आया और उसके जख्म में से दो बूंदें खून की टपक के यहां लग गई। हम इस खून को चेक कर लेते हैं जैसे बाकी के खून का सैंपल लिया था, फिर मैच करके देखेंगे आखिर ये खून है किसका। ये देखो तारिका, ये उन पांच लोगों के ब्लड का सैंपल है और ये खून है जो स्कैन पे लगा हुआ है। एक काम करो, अपने रिकॉर्ड में चेक करो कि किसी से मैच होता है क्या। हेलो अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब, छड़ी पे जो खून मिला था क्या पता चला उसके बारे में? अभिजीत, ये खून उन पांचों मरने वालों में से किसी का भी नहीं है। फिर तो निशा का ही होगा। नहीं, निशा के खून से भी मैच नहीं होता। वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में चेक करके देखा? वो भी देख लिया, लेकिन रिकॉर्ड में किसी से मैच नहीं हो रहा है। कमाल है, सौरभ को खूनी समझ रहे थे, वो खूनी नहीं निकला, निशा भी बेकसूर है, तो फिर खूनी है कौन? एक बात तो पक्की है कि इन पांचों में से किसी ने भी किसी को नहीं मारा और ना ही किसी ने आत्महत्या की है। सर, जिस किसी ने भी ये किया है उसे पहले से मालूम था कि ये पांचों दोस्त उस फार्म हाउस में एक ही छत के नीचे मिलने वाले थे। मगर इन पांचों को क्यों मारा? पांचों को क्यों मारा? ऐसे भी क्या दुश्मनी? सर, ये पांचों कॉलेज के टाइम के दोस्त थे सर, मतलब जो कुछ भी हुआ कॉलेज में हुआ, पर अब इन पांचों की मौत के साथ वो राज भी दफन हो गया। सर, सौरभ के माता पिता। नमस्ते। माफ कीजिए हमें, हम आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं। बात यह है कि आपके बेटे के खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। क्या आपके बेटे का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत बहुत शांत स्वभाव का था सर वो, किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करता था वो। अच्छा, ये बताइए कि आपका बेटा सौरभ डॉक्टर मुकेश के पास इलाज के लिए जाता था? जी हाँ। लेकिन क्यों? अपने चिड़चिड़ेपन, टेंशन और नींद ना आना, इसके लिए। मगर बचपन से वो ऐसा नहीं था सर, मुझे आज भी याद है वो कॉलेज की आखिरी दिन वाली पार्टी की रात थी, बस उसी रात से वो ऐसा हो गया। क्या हुआ था उस रात को? पता नहीं सर, बस पार्टी से आया और सीधा ही अपने कमरे में चला गया। तीन दिन तक वो बाहर नहीं आया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमने डॉक्टर मुकेश की मदद ली, उनसे हमारे घरेलू संबंध है। बाद में वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। ये सब उसके कॉलेज के दोस्तों की वजह से हुआ। मैंने उसे मना किया था, उसने मेरी बात मानी और उनसे अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। तो फिर वो उनके साथ फार्म हाउस क्यों गया था? वो उसके दोस्त आनंद का फोन आया था, बोला बहुत साल के बाद मिल रहे हैं तो आ जाओ, और वो गया, लौट के वापस नहीं आया, लौट के वापस नहीं आया।
पूर्वी जरा इन्हें छोड़ आना। सर सर, इन पांचों के साथ जो कुछ भी हुआ उस फार्म हाउस में उसका संबंध कॉलेज के आखिरी दिन वाली पार्टी से ही है सर। हाँ तो तभी कुछ तो हुआ है। दया, पता लगाना पड़ेगा इन पांचों के बारे में, पता लगाना पड़ेगा इनके अतीत के बारे में, तभी पता चल जाएगा क्या हुआ था उस रात को। सर अजीत से फोन पर सारी बात हुई थी, उसने बोला था कि हल्के नीले कलर की टी शर्ट में यहीं पर जॉगिंग कर रहा है और यहाँ पर जो ठेला है उसी के पास मिलेगा। कोई दिख नहीं रहा सर यहाँ, देखते हैं। ये सामने से आ रहा है नीली शर्ट में, शायद यही है, अजीत ही है। मिस्टर अजीत जी। हाँ, आप लोग सीआईडी से जी? कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें इन पांचों के अतीत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, इसलिए हम आपसे मिलने आए। जी हाँ, ये मेरे कॉलेज में ही थे, सेम बैच। इनमें सौरभ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कहिए सर क्या हुआ? इन पांचों का खून हो गया है। खून? पांचों का एक साथ? आप इन्हें अच्छी तरह से जानते थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉलेज के आखिरी दिन में जो पार्टी हुई थी उसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली उस रात? अरे इन पांचों ने तो हंगामा किया था, इन्होंने शराब पीकर गाली गलौज किया था और कॉलेज के ट्यूबलाइट पर शीशे तोड़ दिए थे, इसलिए कॉलेज के डीन ने इन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया था। तो कैंपस से निकाले जाने के बाद ये लोग कहाँ गए होंगे, कुछ अंदाजा है? सर पक्का तो पता नहीं, मगर ये लोग गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें भी इस घटिया पार्टी में नहीं रहना, हम जा रहे हैं सौरभ के फार्म हाउस पर, वहाँ शानदार पार्टी करेंगे, शायद वहीं गए होंगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस सर। सर उस रात ये पांचों दोस्त एक साथ सौरभ के फार्म हाउस गए थे और इन लोगों ने हद से ज्यादा पी रखी थी। उस रात फार्म हाउस से रास्ते में जरूर कुछ हुआ था जिसकी वजह से सौरभ को गहरा सदमा लगा। पता करना पड़ेगा कि हुआ क्या था उस रात। पुनी मेन दरवाजा खोलकर हॉल के अंदर आया, जो कि सौरभ और उसके दोस्त या तो बंद करना भूल गए थे या पुनी के हाथ में चाबी थी। सौरभ उस सोफे पर बैठा हुआ था। पुनी सौरभ के पास आया, उसने सौरभ के हाथ में गन पकड़ा दी और सौरभ के हाथों से ट्रिगर दबा दिया ताकि गन पाउडर का निशान सौरभ के हाथों पर आ जाए। सौरभ की चीख सुनकर विशाल कमरे में से बाहर आया और जैसे विशाल कमरे से बाहर आया खूनी ने उस पर भी गोली चला दी। विशाल को गोली लगने के बाद आनंद और नितिन हॉल में आए। मुझे मत मारो। खूनी ने आनंद को भागने का मौका नहीं दिया और उसके सीने पे गोली मार दी। भागने का मौका मिलते ही नितिन दरवाजे की तरफ भागा, जैसे वो भागा खूनी ने उसे भी गोली मार दी उसके पीठ में। यश फार्म हाउस से निकल के जंगल के रास्ते भागा। खूनी ने उसका पीछा किया और उसके पीठ पे और गुर्दे पे गोली चला दी। खूनी लौटकर फिर से फार्म हाउस में आया और उसने अपनी गन सौरभ के पास रख दी। और जब बच्चा फार्म हाउस में आया तो इन्हीं लाशों से टकरा के गिर गया होगा, तभी इन तीनों का खून उसके शर्ट पे लग गया और घबरा के बच्चा यहां से बाहर भाग गया। अभिजीत, जंगल में जहां पर यश की लाश मिली दोबारा वहीं पे जाकर अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, कोई ना कोई सुराग है जो हमारी आंखों से छूटा है, ढूंढो उस सुराग को। मामा शहर से काफी दूर है, पैदल तो नहीं आया होगा कोई। सर यही वो जगह है जहां से हमें यश की लाश मिली थी सर, यहां से। एक काम करते हैं, आसपास अच्छी तरह से चेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो
ये देखिए सर, शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा, इस पे खून लगा है। हाँ, इसका मतलब खूनी यहाँ से भागा होगा और हड़बड़ी में उसका शर्ट इस झाड़ में फंस गया और उसे पता तक नहीं चला। सर, असासिन, ये देखिए सर, बाइक के टायर के निशान। ओह, इसका मतलब है खूनी बाइक से यहाँ पे आया होगा। यहाँ पे बाइक पार्क करके जंगल के रास्ते से वो फार्म हाउस गया और फिर वहां पे खून करने के बाद फिर इसी रास्ते से बाइक पे बैठ के भाग गया। ओके। हाँ सर। सर, उस कपड़े के टुकड़े से उसे पहनने वाले का पता चला? देखो दया, कपड़ा किसने पहना था, खूनी कौन है, ये ढूंढना आप लोगों का काम है। मेरा काम है जो सुराग और सबूत मिले हैं उनकी जांच करके हकीकत आप लोगों के सामने रख देना। तो सर, फिर इस सुराग से क्या हकीकत सामने आई? इस कपड़े पर सौरभ के खून के अंश पाए गए। ओह। और इस कपड़े पर मर्क्यूरी और कोयले के अंश भी मिले। कोयला और मर्क्यूरी? शायद मेरे पास इसका जवाब है। जब हम नक्शे में फार्म हाउस ढूंढे थे तब मेरी नजर यहाँ पड़ी। ये कोयले का खान है यहाँ पे, फार्म हाउस के रास्ते पे। सर, यानी कि ये खूनी कोयले की खदान में काम करता होगा या फिर उसके आसपास रहता होगा। सजन, पांच दोस्तों की मौत हो गई। उनके एक और दोस्त अजीत का कहना है कि कॉलेज की पार्टी के बाद वो पांचों सौरभ की गाड़ी में फार्म हाउस जाने के लिए रवाना हुए थे और सर उसके अगले ही दिन ये आर्टिकल छपा था। जेपी मार्ग में हुई दुर्घटना, एक तेजी से आती कार ने राह चलते आदमी को टक्कर मार दी जिसकी जगह पे मौत हो गई। जेपी मार्ग तो ये फार्म हाउस के रास्ते पे पड़ता है। हाँ सर, और इन लोगों के निकलने के ठीक 45 मिनट बाद ये एक्सीडेंट हुआ था। सर, हो सकता है कि ये सौरभ शराब के नशे में थूत होकर गाड़ी चला रहा और उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, और इसीलिए उस हादसे के बाद वो गुमसुम हो गया और 3 दिन तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। सही है, देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मरने वाले का 12 साल का बेटा इस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह था, लेकिन गाड़ी चलाने वाला और उसके साथी वहां से भाग गए और कभी कानून के हाथ नहीं लगे। एक बात और सर, जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो विजयनगर बस्ती में रहता था। विजयनगर बस्ती, और वो भी इस कोयले के खान के पास ही है। जी, आप ही से मिलना है, हम लोग CID से हैं। CID? जी। ये फोटो आपके पति की ही है? जी हाँ, इनको गुजरे तो 8 साल हो गए। इनकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। हाँ, लेकिन 8 साल पहले के केस में CID को क्या दिलचस्पी हो सकती है? फिलहाल हम एक केस की तहकीकात कर रहे हैं जिसका संबंध आपके पति की मौत से है। मैं कुछ समझी नहीं। इस अखबार के हिसाब से जब आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त आपका बेटा इकलौता चश्मदीद गवाह था, है ना? हाँ था तो, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पति के खूनी पकड़े नहीं गए। अब आपका बेटा काफी बड़ा हो गया होगा। जी हाँ, बड़ा भी और समझदार भी। बहुत छोटी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी उसने। आपका बेटा अभी घर पर नहीं है? जी नहीं, बाहर गया किसी काम से, आता ही होगा। क्यों? ये लीजिए, आ गया मेरा बेटा। CID! हे,
बच के जाएगा कहाँ? ये तो डॉक्टर मुकेश का असिस्टेंट है। हमारा इलाज नहीं करोगे? रंजीत, डॉक्टर मुकेश का असिस्टेंट रंजीत, उन पांच लोगों का खून तुमने ही किया है ना? हाँ हाँ, मैंने ही खून किया है, लेकिन मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उनको जीने का कोई हक नहीं था। क्योंकि उनकी वजह से तुम्हारे बाबा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेरे बाबा ने मेरे आंख के सामने दम तोड़ा। मैं उन्हें बचा भी नहीं सका, लेकिन वो पांचों लोग बचा सकते थे। वो पांचों गाड़ी से नीचे उतरे, मेरे पापा को तड़पता हुआ देखे, हॉस्पिटल लेके जाने के बजाय वापस गाड़ी में बैठ के भाग गए। और इतने सालों के बाद भी तुम्हें उनका चेहरा याद रहा? हा? एक एक का चेहरा मेरे आंख के सामने था, और अचानक एक दिन सौरभ मेरे सामने आ गया। और मैंने उसे फौरन पहचान लिया, और मैंने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद पता चला कि वो डॉक्टर मुकेश के पास अपना इलाज करवाता है। और इसीलिए बतौर असिस्टेंट तुमने डॉक्टर के यहाँ पे नौकरी कर ली? हाँ, एक दिन मेरे हाथ सौरभ की फाइल लगी, जिसमें सौरभ ने एक्सीडेंट वाली बात कही थी, और उसने डॉक्टर से कहा था कि उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बाबा की मौत हो गई। और फिर मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर तुमने बदला लेने का प्लान बनाया? हाँ, मुझे पता चल गया कि ये पांचों दोस्त फार्म हाउस पे मिलने वाले, तो मैं इसलिए वहाँ पहुँच गया। और सुबह तक इंतजार किया कि कब सब सो जाएंगे और तुम अपना बदला ले लो। पर सौरभ की गन, वो तुम्हें मिली कहाँ से? एक दिन पहले जब सौरभ क्लिनिक आया था, मैंने उसकी चाबी चुरा ली, और फिर गाड़ी में से गन, फिर चाबी मैंने टेबल पे हिसाब से रख दी थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, फिर भी आप लोगों को पता चल गया। तुम्हें क्या लगा इतना आसान है सीआईडी को बेवकूफ बनाना? पांच पांच लोगों के खून करने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं? मेरे पापा को मारने के बाद उन्हें कोई पछतावा हुआ? मुझे अनाथ करके वो लोग चैन की जिंदगी जी रहे थे, ये अन्याय था, और मुझे न्याय चाहिए था, न्याय। तुम्हारे बाबा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें जरूर अफसोस है, लेकिन किसी की जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। कानून को तुमने अपने हाथ में ले लिया, उन पांच लोगों का खून किया, अब तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.